जिम्मेवारी को निर्वाह करने की नौबत आएगी तब क्या करना वो देखेंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास देता हूं न हम आंख झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखा करके बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो दोस्तों 2019 चुनाव की तारीख तय हो गई है और इन 5 सालों में देश में क्या हुआ और क्या क्या नया हुआ ये आप सभी को पता है, पर इन 5 सालों में मोदी सरकार की बहुत आलोचना हुई, उनके तरीकों पर, उनके फैसलों पर, उनकी विदेश यात्राओं पर, और मोदी ने अपने ऊपर और अपनी सरकार के ऊपर हुई हर आलोचना का करारा जवाब दिया, अपने अंदाज में, अपने भाषणों में पुरानी सरकारों पर तंज कसा। तो दोस्तों आज हम उन्हीं 5 सालों के और 2014 के चुनाव के पूर्व मोदी सरकार के कुछ चुनिंदा और यादगार भाषणों की कुछ क्लिप इस वीडियो में साझा करेंगे, जिसने विरोधियों को चुप तो किया और साथ ही साथ रोने पर मजबूर भी किया। I would like to tell everyone, and what happened to you? Now, if you have some problem, go to the doctor, please. Sit down, Radhika. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Go to the Adhyakshji, Sabhapati ji. Sabhapati ji, Radhika ji, I am suggesting to the office and also to media, Sabhapati ji, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. Sabhapati ji. मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। अच्छे दिन। तो दोस्तों आपने मोदी सरकार के अच्छे दिन वाली लाइन तो सुनी होगी, जिस लाइन ने मोदी जी को 2014 का चुनाव जिताया था। पर आपको पता है ये लाइन सबसे पहले किसने बोली थी और ये नारा देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। मेक इन इंडिया। तो दोस्तों मेक इन इंडिया पर मोदी जी ने सिंगापुर में स्पीच दी और तब मेक इन इंडिया इनिशिएट लिया गया था, और इस भाषण में मोदी जी ने भारत में हथियार बनाने की स्थिति के बारे में बताया था, अपने ही अंदाज में बताया था। क्या हम आजादी के 70 साल के बावजूद भी हर चीज बाहर से लाएंगे क्या, हर चीज इंपोर्ट करेंगे क्या, क्या 125 करोड़ देशवासी बना नहीं सकते क्या? आपको हैरानी होगी, सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस वालों के पास एक साधन होता है अश्रु गैस, टियर गैस, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो टीयर गैस के सेल छेड़ते हैं। अब आंसू निकलते हैं तो फिर आंदोलनकारी भागते हैं। हम रोने के लिए भी बाहर से लाते हैं। 56 इंच, 56 इंच वाला स्लोगन जिसके कारण मोदी जी फेमस हुए और देश में 56 इंच को मोदी जी का पर्यायवाची माना जाने लगा, उनके फैसलों को 56 इंच का उदाहरण दिया जाने लगा, चाहे वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। और ये जवाब मोदी ने मुलायम सिंह को दिया था जब उन्होंने मोदी को चुनौती दी थी। बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं, और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली,
नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते, तो दोस्तों अगली स्पीच मोदी ने अपने विरोधियों के लिए दी थी। यहां पर विकास के लिए खर्च 40% होता था और फिजूल खर्च 60% होता था। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी बात, हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। तो दोस्तों स्पीच का अगला भाग मौन मनमोहन सिंह की सरकार पर तंज कसते हुए दिया था। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की अरे ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की तो दोस्तों हमारा अगला भाषण है जिसने मोदी जी ने राम भरोसे मनमोहन सरकार के ऊपर तंज कसा अपने ही अंदाज में। कि एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा क्योंकि ये कार है सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। अभी किसी ने मुझे एक SMS भेजा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ओस्कार का अवार्ड मिला। कलाकार को मिला? दारिया साहब आप तो बुजुर्ग हैं, ओस्कार का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। तो प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हमारे अगले भाषण के हिस्से में नोटबंदी के दौरान विरोधियों द्वारा मोदी पर कई सवाल उठाए गए, उनका विरोध किया गया, पर मोदी ने अपने ही अंदाज में सेल्फ डिफेंस ना करते हुए अटैक किया। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता देखो, कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी आप विरोध करें 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 कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ये मुझे खुशी हो रही है। उनके एक दूसरे मह
महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, श्रीमान चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है तो कैशलेस कैसे करोगे। अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदम्बर जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे। मैं तो 2007 के बाद से जितने चुनाव सभाएं सुनी है, आपके नेता गांव-गांव जाके कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव गांव कनेक्टिविटी कर दी, आप ही का भाषण है। और जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहते हैं मोबाइल फोन ही कहाँ है। ये समझ नहीं आ रहा है भाई। आप ही कह रहे थे हमने इतना कर दिया, जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते नहीं वो तो है ही नहीं। तो ये क्या समझा रहे थे आप मुझे?